हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के दौरान समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेस्ट डिकम्पोज़र हमारे बायोफ्लॉक कल्चर में कैसे लाभदायक हो सकता है। ये वेस्ट डिकम्पोज़र डेवलप किया हुआ है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है और जिनके डायरेक्टर के चंद्रा है। उन्होंने और उनकी टीम ने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के देखरेख में आती है। इस प्रोडक्ट में उन्होंने काउडंग गोबर में से जो लाभदायक बैक्टीरिया है, उसमें आपको पता है कि काउडंग में पैथोजेंस भी होते हैं और लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा फायदे वाले हैं उनको आइसोलेट किया है और उनका कल्चर एक बॉटल में एज मदर कल्चर 30 ग्राम्स, जो कि केवल 20 रुपये में उपलब्ध है, ये सबके लिए रेडी किया है। ये जैसे कि नाम बताता है, एक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया, सेट ऑफ डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया है। इसको तैयार कैसे करना है, एक 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, 200 लीटर पानी भर लीजिए, उसमें 2 किलो इसमें गुड़ डाल लीजिए और ये जो 30 ग्राम्स एक बॉटल में आता है वो सफिशिएंट है, वो उसमें आप डाल दीजिए और उसको 7 दिन तक ऐसे ही पड़े रहने देना है, कवर करके रख दीजिए। पर दिन में 1, 2 या 3 बार इसको आप जरूर हिलाइए ताकि एरिएशन हो जाए। अगर आपके पास कोई एयर पंप है छोटा, तो एक पॉइंट इसमें आप लगा सकते हैं, उससे आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ, पर ये ज़रूर याद रखिए कि इसमें कोई मेटल से कुछ हिलाना नहीं है, लकड़ी का डंडा या बांस लेना है या कोई प्लास्टिक, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अगर आप पानी कम ज़्यादा ले रहे हो तो ये याद रखें कि हर 100 लीटर के लिए आपको 1 किलो गुड़ डालना है, और अगर समझो आप कम बना रहे हो 10 लीटर 20 लीटर या 50 लीटर, तो उसी हिसाब से 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है। और भले ही आप 30 ग्राम कल्चर ना लेके थोड़ा सा 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम कल्चर ले सकते हैं। 7 दिन के बाद ये आपका तैयार हो जाएगा, यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसे यूज़ कीजिए, इसको क्रॉप्स में और अपने कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में इसके रिजल्ट्स बहुत जनों ने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा है। इस बार हम बायोफ्लॉक में इसको यूज़ करके देखेंगे। यूज़ करके जब आपका ये ख़त्म होने लगे, समझो जैसे ही 20 लीटर बच जाए, उसमें आप फिर से पानी भर दीजिए, फिर से 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 7 दिन फिर वेट कीजिए, आपका ये फिर से तैयार हो जाएगा। इस तरह ये कंटिन्यू आप करते जा सकते हैं, इसका कल्चर ये काफ़ी सालों तक बिना ख़राब हुए ऐसे ही आपका चलते जा सकता है। अब आपको पता है कि हमारे बायोफ्लॉक कल्चर में हम जो बैसिलस सबटिलस छोड़ते हैं, जो बैक्टीरिया है हमारा, वो भी एक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया है, और ये वेस्ट डीकम्पोज़र में भी एक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया का ही स्ट्रेन है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? जहाँ की सबटिलस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करने के बाद एक प्रोटीन सेल में तब्दील करता है, वहीं पे ये वेस्ट डिकम्पोज़र का जो बैक्टीरिया है उसको डीकम्पोज करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को फ्री कर देता है। तो जहाँ एक तरफ सबटिलस फ्लॉक बनाता है ये न्यूट्रिएंट्स को फ्री करने के बाद एक प्लैंकटन के लिए फूड तैयार कर देता है, और जैसे आपको पता है कि प्लैंकटन होगा, फाइटोप्लैंकटन डेवलप होगा, तो जूप्लैंकटन डेवलप होगा, और जूप्लैंकटन सभी शाकाहारी और मांसाहारी फिशेस का भोजन बनता है। तो दोनों का काम लगभग एक जैसा है। यहाँ आप पूछोगे तो क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास सबटिलस बैक्टीरिया है तो फिर हमको इसकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बायोफ्लॉक सिस्टम और उसमें साथ में जो नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है, अगर वो ठीक ठाक चल रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका सिस्टम थोड़ा डगमगा रहा है, जैसे कि आपकी लाइट जा रही है, पावर बैकअप इतना एफिशिएंट नहीं है, जहाँ आपका पीएच फ्लक्चुएट होता है, आपका टैंक ओपन में है जहाँ आपका टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है, तो आप देखेंगे कि आपके टैंक में नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है। उस कारण आपके टैंक में नाइट्राइट
नाइट्रेट भी आ सकता है। आप ओवर फीडिंग अगर कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसी कंडीशंस में ये वेस्ट डिकम्पोज़र हमारी मदद कर सकता है। वो कैसे? वेस्ट डिकम्पोज़र भी अमोनिया रिमूवल करने के काम में आता है। ठीक है, इसकी वो कैपेसिटी नहीं है जो कि सबटिलिस की है। सबटिलिस आपका कितना भी बैक्टीरिया, कितना भी अमोनिया निकाल सकता है, प्रोवाइडेड उसको उतना रेशियो में कार्बन सोर्स मिलता जाए। पर उसके सामने ये जो वेस्ट डिकम्पोज़र का बैक्टीरिया है, ये आपका अमोनिया निकालेगा पर उतना एफिशिएंटली नहीं निकालेगा। पर इसमें एक और एडवांटेज है कि इसमें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का भी कल्चर है। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इसमें जो है वो स्यूडोमोनस फ्लोरेसेंस ये नाम का जो बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। तो उससे क्या मदद मिलती है कि आपका जो नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होता है जबकि पैरामीटर्स हिलते हैं पानी के, तो इसके जो आपको तकलीफ़ आती है उसको कंट्रोल कर लेता है और आपका ये साइकिल रुकने नहीं देता। तो आपके जो टैंक में रेसिडुअल अमोनिया आएगी वो आप देखेंगे कि वो निकल गई है। आपको बिना गुड़ डाले, बिना मोलासेस, बिना कार्बन सोर्स डाले वो आपके टैंक से अमोनिया निकल रही है, एफिशिएंटली निकल रही है और आपका फ्लॉक जो है वो ठीक ढंग से रह रहा है, ना कि वो स्लज में तकदील हो रहा है। क्योंकि हम अपने कल्चर में ना ही नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया डालते हैं और ना ही डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया डालते हैं और हम रिलाई करते हैं कि ये अपने आप डेवलप हो, तो इस सूरत में अगर हम इसको नियमित रूप से डालें हर हफ्ते में 10,000 लीटर में समझो एक लीटर अगर हम डालते जाएं, तो हम अश्योर कर लेते हैं कि हमारे टैंक में नाइट्रिफाइंग और डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं और ये सिस्टम हमारा बायोफ्लॉक अलॉन्ग विद नाइट्रिफिकेशन साइकिल और डीनाइट्रिफिकेशन जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ये ठीक ढंग से ऑपरेट चलता रहेगा। क्योंकि जो ये वेस्ट डिकम्पोज़र में बैक्टीरिया है स्यूडोमोनस फ्लोरेसेंस, वो एक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया तो है पर वो नाइट्रिफिकेशन में भी हेल्प करता है और वो भी हेटरोट्रॉफिक कंडीशंस में जो कि हमारे बायोफ्लॉक टैंक में होती हैं। तो एक हिसाब से आप समझ लो कि हम अपने टैंक में सबटिलिस के साथ में एक और लाभदायक बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक से भले दो ये उसको असिस्ट ही करने वाला है। जब हमारे टैंक में इतने सब लाभदायक बैक्टीरिया हम डाल के रखेंगे तो पैथोजेंस को फिर और मुश्किल आएगी हमारे टैंक में आने के लिए और कोई डिजीज़ को अंजाम देने के लिए। इस तरह आप इसको नियमित यूज़ कीजिए, हर हफ्ते इसको अपने टैंक में, जैसे कि आप मोलासेस हम डालते हैं हर हफ्ते और भुजा हुआ चूना डालते हैं, उसके साथ ये भी हम लोग एक प्रैक्टिस बना लें, इसको भी हर हफ्ते हम डालते जाएं, ताकि जो हमारा एक बैलेंस्ड सिस्टम बायोफ्लॉक कल्चर का बना हुआ है, जो पैरामीटर्स हमारे स्टेडी स्टेबल चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो सके। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।